तो उसका बेनिफिट्स भी है कि जल्दी एग्जाम हो जाती है, जल्दी रिजल्ट आ जाता है। अगर कोई फेल है तो मतलब थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, मतलब ऐसा, मतलब वेट नहीं करना पड़ता जैसा यूनिवर्सिटी में है, वेट करना पड़ता है। कंपनियां आ रही है अभी 2023 कंपनी का आती है सर, थोड़ी एमसीए की थोड़ी हालत खराब है, बीटेक वालों का ज्यादा अच्छा है, मतलब एज कम्पेयर टू एमसीए, क्योंकि वो पूरा इंजीनियरिंग कोर्स है तो फिर उनका प्लेसमेंट भी एमसीए से ज्यादा अच्छा है। मतलब उनका एवरेज 9.8 आ ही रहा है, अभी भी प्लेसमेंट हो रही है उनकी, और एमसीए का जाया हाईएस्ट गया है 6। मींस मैं बस इतना बता दो, आ रही है ना कंपनी, आ रही है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज तो आ रही है सर। कंपनी तो आ रही है, कंपनी ही आना चाहिए क्योंकि कंपनी आएगा तभी तो ग्रैब कर पाओगे, कंपनी कॉलेज में विजिट नहीं करती है तो कंपनी तो आ रही है। अभी रिसेंटली सीनियर प्लेस्ड हुए हैं कैपजेमिनी में। अच्छा, मतलब एमएनसीज भी आ रही है। हां, कितने पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर तुम्हारे कॉलेज का कट ऑफ कितने पे? तो मैं तो आउट ऑफ महाराष्ट्र वाला, तो हम लोग का तो 92 पे हुआ था सर। 92 पे था ना। जेएसपीएम से रिलेटेड और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, यहाँ पे हैं बताएंगे ये, या फिर और भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? यस यस बोलो। हाँ, अभी एमसीए में एडमिशन होने के लिए अभी फिलहाल तो टाइम है, तो अगर मुझे पढ़ाई के साथ शुरुआत करनी है तो एमसीए का फर्स्ट ईयर के मतलब कौन सा सब्जेक्ट्स और कहाँ से पढ़ाई करनी? हाँ, ये क्वेश्चन सभी के हैं, तो तीनों से मैं ये क्वेश्चन आंसर लूंगा, एक एक करके। राहुल स्टार्ट करो, मैं तीनों से ये आंसर लूंगा। इनका ये कहना है कि अभी एडमिशन में टाइम है, जैसे 1 मई को एग्जाम रिजल्ट आया था तो अभी 1 मंथ बीत गए, अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर देखा जाए तो जुलाई में के आसपास ही स्टार्ट होगा इनका कॉलेज, उससे पहले होना नहीं है, तो अभी इस टाइम को ये कैसे यूटिलाइज करें वो बताओ। अच्छे से तुमको पढ़ना, तो देखिए सबसे पहले तो फंडामेंटल्स पे अपनी मतलब अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, ठीक है? जैसे C++ अच्छे से आना चाहिए, फिर क्या उसमें DSA भी अच्छे से कर सकते हैं, ऊप्स अच्छे से आना चाहिए। अगर तुम नॉन IT वाले हो तो पाइथन पे अच्छे से फोकस करो, क्योंकि वो ईजी है, तो पाइथन ईजिली हो जाएगी। नहीं तो अगर तुम IT वाले बैकग्राउंड से हो तो तुमको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, तो सी अच्छा है, C++ पे पकड़ बनाओ, फिर जावा पे अच्छा करो, जावा में बहुत ओपनिंग्स आ रही है, फिर साइबर सिक्योरिटी में बहुत ओपनिंग्स है, और पाइथन तो तुमको पता ही है, AI है तो फिर बहुत यूजफुल है। ऐसा एक बार आप बता दो प्रथमेश, आप कैसे किए थे, क्योंकि आप भी CS बैकग्राउंड से थे, तो इस टाइम को कैसे मैनेज किए थे? क्योंकि सेमेस्टर में भी प्रॉब्लम आती है ना, 6 मंथ्स में, तो उसमें टाइम मिलता नहीं है, तो आप लोगों ने पहले कुछ ना कुछ स्टार्ट किया? कॉलेज में तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा सर, कॉलेज में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो एक बार आप बता दो प्रथमेश, क्या कैसे क्या किया था? तो बेसिकली मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि अभी आपके पास जो भी टाइम है ये आपके लिए बहुत प्रेशियस टाइम है, इसको जरा भी जाया मत कीजिए। आप जैसे मेरे फेलो सीनियर ने कहा है कि अपने फंडामेंटल स्ट्रांग कीजिए, उससे अलग मैं और कुछ नहीं कहूँगा कि बस आपको अपना फंडामेंटल स्ट्रांग करना है। अगर मैं एक नॉन CS बैकग्राउंड का स्टूडेंट था जो CS में स्विच कर रहा था, तो मुझे ये सलाह राहुल सर ने दी थी कि आप पहले अपने बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर करो, ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो। बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको एक मैंने जो फॉलो किया था वो बताता हूँ। मैं जैसे कॉलेज में जाने वाला था तो मैंने सोच लिया था कि मेरा परसेंटाइल यहाँ इसके आसपास आने वाला है, या फिर मेरे को ये कॉलेज मिल सकता है। वो ऑटोनॉमस है, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है, उसको आप देख सकते हो। तो फिर उस कॉलेज का एक बार फर्स्ट सेमेस्टर का आप ये देख लेना कि सिलेबस क्या क्या है, उसमें मेन लैंग्वेज कौन सी कौन सा। तो मेरे इसमें अभी मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता हूँ, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में पहला जो मेरा सेमेस्टर था तो उसमें जावा, एडवांस जावा का कोर कॉन्सेप्ट था। तो एडवांस जावा आने के लिए आपको पहला कोर जावा आना चाहिए। मैं नॉन IT बैकग्राउंड से था तो कोर जावा मेरा इतना क्लियर नहीं था, तो मैंने अपना वो ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किया 1 महीने जो हाथ में था। तो वो मेरे को बाद में जब मैं कॉलेज में गया तो उसमें मेरे को बहुत हेल्प हुआ। मैं आपको ये कहूँगा कि कोई एक लैंग्वेज पकड़िए, जैसे मेरे फेलो सीनियर ने कहा कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कीजिए आप, और उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत जो अपना सिलेबस है उसका भी ओवरव्यू ले लीजिए, तो आप जैसे जाएंगे तो आपको एक्लेमेटाइज करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। दीक्षा, एक बार आप बता दो क्या किए थे इस टाइम पे? यस भैया, मैं भी नॉन IT हूँ। स्टार्टिंग में मैंने भी अपना बेसिक्स क्लियर किया था, जब एग्जाम हो गया तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम अपना बेसिक्स क्लियर करने में दिया। जैसे स्टार्ट किया था मैंने HTML CSS से, देन JavaScript, तो आई थिंक स्टार्टिंग में तो इसी पे फोकस करना चाहिए। देन फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका सिलेबस है उसको एनालाइज करो, जिसमें कौन सी लैंग्वेज मेन है, तो उसको उसका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी हम क्लासेस कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो
क्लासेस में अगर मेरे को चीजें पहले से पता होती है तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है. तो आई थिंक फोकस करना चाहिए कि मतलब बेसिक्स जो है लैंग्वेज की क्लियर होनी चाहिए. बेसिक करो, फंडामेंटल स्टार्ट करो अभी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है. दो मंथ्स तो पकड़ के ही चलो. तो ये मंथ सबसे पहले आप सिलेबस देखो. जैसे सबका ये कहना है, आप अपना सिलेबस देखो पहले. आपने तो डिसाइड कर ही लिया होगा कि पुणे में जाना है, मुंबई में जाना है, जहाँ भी जाना है पहले अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग. क्योंकि जिनका घर नज़दीक होता है वो सोचते हैं कि मैं नज़दीक में रहूं. तो सब यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा थोड़ा सिलेबस जो है वो भी माइनर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. तो सिलेबस पकड़ो, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अपनी. ठीक है, तो MET के हैं यहाँ पे, IMCC के हैं, JSMPA के हैं. तो आपको कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी अभी पूछना है तो पूछ सकते हो इनसे. अभी पूरा है हमारे पास अभी इन लोगों, तो पूछो जो भी पूछना है पूछ लो. सर मुझे ये पूछना है कि IMCC या फिर पुणे यूनिवर्सिटी में मैथ्स कितने सेमेस्टर के लिए होते हैं बताओ? IMCC वाले फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मैथ्स उतनी नहीं होती, मैथ्स होती नहीं. इनफैक्ट मैथ्स सब्जेक्ट नहीं था हमारा. सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, बाकी मैथमेटिक्स उतना इन्वॉल्व नहीं है सिलेबस में. और मुंबई यूनिवर्सिटी में भी मैथ्स नहीं होती? तो प्रथमेश, मुंबई यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता. मुंबई यूनिवर्सिटी में सेम 1 और सेम 2 में दो सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस 1 और मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस 2 करके दो सब्जेक्ट होते हैं. बट मोस्टली उसको मैथमेटिक्स से आप जोड़ के ना देखिए, वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ज्यादा सब्जेक्ट है, उसमें मैथ्स के इतने कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होते. उसको हम लोग स्टैट्स में कंसिडर कर सकते हैं और वो फेयरली इजी हो जाते हैं. अगर आप IT बैकग्राउंड के हो, नॉन IT बैकग्राउंड के हो, वो आप कर सकते हो इजीली. उसमें इतना आपको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो जाता है. और सर पूछना मुझे ये था कि DSA के नोट्स, जैसे मैं DSA अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके बाद DSA का नोट्स के लिए मैं कैसे उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ, कुछ टिप्स दे दीजिए. तो मैं बेसिकली तुमको पहले क्या बताऊंगा कि पहले अपना कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ऊप्स क्लियर करो. DSA करने के बाद अगर तुम DSA चालू कर रहे हो, तुम्हारा बेस क्लियर है, तो क्या करना, अपने साथ एक नोटबुक जरूर रखना. जो भी तुम लोग चालू करोगे उसके साइड बाय साइड नोट्स बनाते रहना. अभी तुमने सॉर्टिंग टेक्निक्स, सर्चिंग टेक्निक्स, अरेज क्या होते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, DSA के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं. तो जो चीज़ तुमको नहीं लगे उसको एक बुक में लिखते रहना, उसका तुमने क्या लॉजिक किया था और तुम्हारा इंट्यूशन कैसे आया था, मतलब तुमने क्या सोचा था, वो एक अगर तुम्हारे पास बुक होगी तो लास्ट में तुमको रेफर करने में ईजी होगा. पर मैं सबसे पहले एक ही बात कहूँगा कि वहाँ पर जाने से पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो. फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप होती जाती है. और तुमने नोट्स की बात की, तो वो सबसे बेस्ट नोट वो होती है जो तुम खुद बनाते हो. किसी और की नोट्स लेके पढ़ोगे तो वो शायद से उतना इंट्यूशन नहीं आता, बस जो खुद की नोट होती है उससे अच्छे से पढ़ सकते हो. हेलो सर. हाँ बोलो. एक एक करके JSPM कॉलेज में टीचिंग कैसे है? क्या है JSPM में से टीचिंग कैसी है? सर देखिए, टीचिंग तो अभी देखो ये इतना तो हाई लेवल नहीं है, मीडियम है, अच्छा पढ़ा सकते हैं. फैकल्टी बहुत फ्रेंडली है. अभी इंटरव्यू में क्या दिक्कत आ रही है आप हम प्रिपेयर करें हो ऐसा? किसमें सर? इंटरव्यू में. इंटरव्यू सर अभी क्या है ना, अभी हम लोग का ना इंटर्नशिप का प्रोग्राम चालू होने वाला है, तो अभी इंटरव्यू तो चालू नहीं हुआ है. तो अभी पहले इंटर्नशिप जो है, अभी मैम ने बोला है कि आप लोगों को इंटर्नशिप आएगी, तो अभी कंपनी का कॉल ही नहीं आया है, तो अभी इंटरव्यू हुआ ही नहीं है कुछ ऐसा. अच्छा, थैंक यू. ओके सर, पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर वो खाली जावा और पाइथन लैंग्वेज आते हैं ना? जावा है मोस्टली शायद सारे सेमेस्टर में. आई थिंक पाइथन है क्या पुणे यूनिवर्सिटी में? जी भैया, पाइथन है. पाइथन है, सेकंड सेमेस्टर में पाइथन है. तो आप अपने अकॉर्डिंग लेकर के चलो ना, अगर जावा में जाना चाहते हो आगे या फिर पाइथन में जाना चाहते हो आगे, तो वो पहले से तुम डिसाइड कर लो. फिर उसी अकॉर्डिंग अगर जावा से आगे करना चाहते हो तो पाइथन सिर्फ ये लेकर के चलना कि हमें जस्ट एग्जाम में पास होना है. ठीक है, तो इस तरीके से अभी स्टार्ट करो, मेनली अभी स्टार्ट करना जरूरी है. माइक बंद कर सर. DSA किया था, DSA लेकिन मुझे बहुत मुश्किल जा रहा था. तो शुरू में तो मुश्किल जाएगा ही ना, DSA है वो, लगे रहो, हो जाएगा.
दीक्षा मैम आईएमसीसी में मीडियम पैकेज क्या जाता है अराउंड? इस ईयर तो 8 लाख गया है। आईएमसीसी में एक भी एक हाईएस्ट इस ईयर हाईएस्ट 8 लाख गया है और एवरेज 5-6 जाता है, 3 भी जाता है, 5 भी जाता है। आईएमसीसी में बीटेक नहीं है तो एमसीए को थोड़ा सा एज मिलता है क्योंकि बीटेक कोर्स नहीं होती है वहाँ पे, तो जो भी कंपनी आती है सिर्फ एमसीए वालों के लिए ही आती है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है उस कॉलेज में, ये थोड़ा सा एज है। ठीक है, सर हमारे में यही है कि बीटेक है तो उनको ज्यादा एज है, मतलब उनका वो सारे कॉलेज हाई हो जाता है और हम लोग का कम होता है, उनके जैसे वो मेनली फोकस इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब सॉरी इंजीनियरिंग के लिए आती है इसलिए। हाँ वो सब सभी में होता है, जितने भी कॉलेजेस हैं सब, अगर बीटेक है तो बीटेक वाले को ज़्यादा फोकस किया जाता है, कंपनियाँ भी उसके लिए ज़्यादा आती है। तो बहुत सारे कॉलेज में जो पिंपरी हो गया और फिर जो ऊपर के जितने कॉलेजेस हैं तो वो डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, बीटेक का अलग होता है और एमसीए का अलग होता है, तो वो ये भी थोड़ा सा सही चीज़ है। पिंपरी में जैसे 2 डिपार्टमेंट है, बीटेक वाले के लिए अलग डिपार्टमेंट है टीएनपी और तुम्हारा ये एमसीए वाले के लिए अलग डिपार्टमेंट है, अपना अपना कंपनी बुलाते हैं वो। हेलो सर। जिसको हाईएस्ट पैकेज मिलता है उसके कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स रहते हैं? मतलब वो डिपेंड करता है कंपनी पे ना, मतलब एक जनरल पकड़ ले जो अभी मुझे अभी मशीन लर्निंग फील्ड में जाना है, एआई फील्ड में, तो मैं किस टाइप के प्रोजेक्ट कर सकूं कि अच्छा पैकेज मिलेगा? इसमें मैं तुमको एक अच्छा एडवाइस दे सकता हूं जो मेरे को मेरे सीनियर से मिला था। तुमको मैं एक बात बता दूं कि तुम जो भी प्रोजेक्ट करो मेक श्योर करो कि वो प्रोजेक्ट में मैक्सिमम इनपुट तुम्हारे साइड से हो, वो प्रोजेक्ट में तुम रेफरेंस ले सकते हो, पर जो तुमने किया तुमको पता होना चाहिए कि ये मैंने किया। और तुमको इंटरव्यू में बेसिकली मेरा अभी एक 1-to-1 सेशन हुआ था एशियन पेंट्स के मैनेजर के साथ, हम लोग का एक एल्यूमिनाई मीट रखते, तो अभी जो हम लोग के एल्यूमिनाई थे उनके साथ मेरा मीट था, तो नाउ इज इन मैनेजरियल पोजीशन, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम तुमको बेसिक लेवल पे जज करेंगे पर वो देखेंगे कि तुम्हारा इनपुट कितना है, वो तुमको ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अभी तुमने कहा कि तुमको मशीन लर्निंग में जाना है, वो तुमको इतना बेसिक सवाल पूछेंगे कि बताओ फर्क क्या होता है मीन और मीन मीडियम मोड में, फर्क क्या होता है, इतना बेसिक से स्टार्ट करते हो। तो आप मशीन लर्निंग में जाओगे तो वहां पर फिर बहुत सारे एल्गोरिथम्स आते हैं, लोग हाई एंड के चीजें करके जाएंगे, लोग करके जाएंगे डिसीजन ट्री करके जाएंगे, रैंडम फॉरेस्ट करके जाएंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन करके जाएंगे। और जब उनको ये बेसिक चीज पूछी जाती है कि मीन मीडियम और मोड का डिफरेंस बताओ, तो फिर वहां पर वो सामने वाले आपसे लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन को करने से पहले यही अगर चीज तुम्हारी फंडामेंटल क्लियर नहीं है प्रोजेक्ट की हो या फिर किसी और की हो, क्योंकि क्वेश्चन प्रोजेक्ट से ही बनेंगे, तो अपना बेसिक अच्छा रखो, तुम्हें बेसिक लेवल पे जज करेंगे, कोई तुमको इतना एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, बट मेक श्योर कि जो तुमने प्रोजेक्ट किया है खुद से किया हो और उसके बारे में तुमको पूरी नॉलेज हो। अच्छा थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर कट में रहता है क्या? आईएमसीसी के कॉलेज में लास्ट ईयर कटअप कितना गए थे? 94 के अराउंड था आई थिंक, 94 या 93 था। देख सो ये ओपन का था ना, कितना था ओपन का? 92 और मैम ओबीसी का? ओबीसी का वो मारा ओएमएस कैंडिडेट है, ओबीसी का उनको नहीं पता होगा, मैं चेक कर लूंगा फिर बता दूंगा। ठीक है। और सर एनटीबी का किसका? वो अलग कैटेगरी वाइज देखना पड़ेगा कितना कटअप दिया था, एक ऑन एन एवरेज जो ओपन की कटअप होती है वो याद होता है ऑन की कितना अप्रॉक्स गया था, जो भी कैटेगरी वाइज है वो चेक कर लेंगे लास्ट ईयर का फिर दे देंगे आपको। हेलो सर। हेलो सर। बोलो बोलो। सर मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ और मेरा कास्ट ओबीसी है और मुझे 85% है और मैं आईएमसीसी को टारगेट कर रहा था, लेकिन मैं अदर देन होम यूनिवर्सिटी से आता हूँ तो शायद कैप राउंड से अगर मेरा एडमिशन नहीं होता है तो मुझे इंस्टीट्यूट लेवल पे ट्राई करना चाहिए क्या? नहीं इंस्टीट्यूट मतलब, लेवल पे ट्राई मत करो, वो क्या हुआ था लास्ट ईयर दीक्षा जो सीट शायद बच जाती है तो लास्ट में फिर से वो कॉल करते हैं ना जिनको एडमिशन चाहिए होता है वो लेकर के आ सकते हो, ऐसा कुछ होता है, तुमने शायद ग्रुप में लास्ट ईयर भेजा था कि जिनको एडमिशन मतलब वहाँ पे हमें ना सिर्फ ओपन की फीस भरनी पड़ती है। हाँ, वो वाला राउंड।
स्पॉट राउंड होते हैं ना, तो वहाँ पे ट्राई करना चाहिए क्या? हाँ, सीट खाली रह ही जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क है, नई सीट खाली रही तो फिर नहीं मिलेगी, लेकिन मोस्टली सीट्स खाली रहती है IMCC का, MET का, और फिर आपका वो SPIT का, इन सब कॉलेजेस का सीट्स खाली रहती है क्योंकि फीस ज़्यादा है इसलिए। क्योंकि सर क्या है ना, वहाँ पे मेरी फैमिली है, तो मुझे वहाँ पे रहने खाने का सब कुछ है, तो इसलिए मैं IMCC का टारगेट कर रहा था, क्योंकि अगर बाकी की कॉलेज का करूँगा तो वहाँ पे फिर रहने खाने का बाकी का सब कुछ आता है। तो लास्ट ईयर कंप्लीट हो गई थी पूरी सीट्स, दीक्षा 120 सीट्स जो भी है फुल हो गई थी? जी भैया, कंप्लीट हो गई थी पूरी। तो फिर इंस्टीट्यूशन राउंड में ही हुआ था या फिर कैप में ही हो गया था? आई थिंक कुछ सीट्स मैनेजमेंट के थ्रू भी हुई है। तो वो बोले कि आपको अगर वो वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है ना, तो आपको ओपन की फी जो है ना वो हाफ फी आपको भरनी पड़ेगी, उसके बाद वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद जो कट ऑफ निकलता है ना उसके ऊपर वो सीट लगती है। हाँ, वो कैप के बाद लगती है, पूरे कैप कंप्लीट हो जाएंगे ना, तीनों कैप कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के फिल कर सकते हो। खाली रहेंगे तो वो कॉल करेंगे सामने से, खाली नहीं रहेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है सर, चलो और कुछ पूछना है? जी सर, IMCC का प्लेसमेंट परसेंटेज टोटल कितने स्टूडेंट्स का हुआ था लास्ट ईयर? कितना हुआ था दीक्षा, याद है बट पता चला है कुछ 2023 में कितना प्लेस हुए, कितने बच्चे प्लेस हुए हैं? 206 में आई थिंक 50 अराउंड। कितना? 50 या 60 स्टूडेंट्स, 50% के आसपास, नंबर ऑफ 50 देख लो भाई। फिर सर MET का क्या था प्रथमेश? MET का अभी जो अगर मैं बताऊं तो MET में अभी फिलहाल के लिए जो मेरे सीनियर के बैच है उसमें 75% का प्लेसमेंट MET में। एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि MET में सीट्स है ना 66 सीट्स है, हमारे पास कॉम्पीटिंग डिपार्टमेंट्स नहीं है, एक सीडैक का डिपार्टमेंट होता है पर वो कुछ करते नहीं, वैसे वेले बैठे रहते हैं। तो मेन कॉम्पिटिशन होता है वो इसमें होता है, MCA में होता है, और MCA का एक ही सीट भी कम है, 66 सीट्स है, तो कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, पर जो बच्चे आते हैं वो थोड़े क्वालिटी आते हैं। तो मोस्टली इससे पिछली जो बैच थी वहाँ पर 98% के अराउंड का प्लेसमेंट था, अभी के इसमें 70 या फिर 80% के अराउंड बच्चे हो गए। कुछ लोग अपना खुद स्टार्टअप कर रहे हैं, फिर कुछ लोगों को नहीं करना है, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है MET में। उसका प्लेसमेंट हो गया क्या प्रथम आबिद का जो लास्ट ईयर? आबिद का हो गया, मेरा कल ही बात हुआ था, कल या फिर परसों ही बात हुआ था आबिद भाई से। हो गया, कहाँ हुआ, कौन सी कंपनी है वो? रिपल टेक्नोलॉजीज में। अच्छा, नहीं उसने मेरे को भी मैसेज किया था कल वैकेंसीज के लिए, तो हमें लगा कि नहीं हुआ है, तो फिर लगभग हो गया ना सभी का, हर लगभग लगभग हो गया। मेरे को अभित भाई ने बताया कि अभित भाई बोल रहे थे कि कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, पर वो बच्चे सर ऑनेस्टली बताओ तो उनके साइड से एफर्ट थोड़ा कम था, ये बाकी जो है मतलब हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। सीट्स कम है ना, मेन सीट्स कम है, इसीलिए कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, और कंपटीशन कम होगा अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट मारते हो तो हो जाता है। इसका क्या चाहिए रहा? हाँ बोलो। जहाँ पर कैसा है कि वो कॉलेज ज्यादा सिलेक्ट करो जहाँ पर कंपटीशन कम हो, मतलब कंपीटिंग डिपार्टमेंट्स ना हो, खुद के डिपार्टमेंट्स में भी सीट अगर लिमिटेड हो तो तुम्हारा मतलब प्लेस होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। अभी मेरे 66 लोगों का बैच है, तो अगर मैं मानता हूँ कि एकदम कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लो, अगर 50% भी अगर बच्चे प्लेस हो गए तो मेरे को 35 लोगों में आना है, और 35 लोगों में आने कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर तुम थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो तो भी आ जाते हो। MET की जनरल में कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर? लास्ट ईयर देखो जनरल में मेरे हिसाब से 92 के आसपास कुछ क्लोजिंग हुआ था, थर्ड राउंड के बाद की बात कर रहा हूं मैं। मेरा जो हुआ था मेरा वो 95 के अराउंड, मेरा फर्स्ट राउंड में हो गया था MET, तो मेरे हिसाब से 93-92 के आसपास कुछ तो गया था ओपन के। और फी कितनी? MET की थोड़ी फी ज्यादा है, कुछ 1,68,000 पर ईयर की फी है ओपन कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, AWS के लिए कम हो जाती है, 98-96 के अराउंड हो जाती है। सर मेरा 94.90% आया है, तो मेरा चांसेस है क्या MET में होने का? बहुत अच्छा चांसेस हो जाएगा शायद, फर्स्ट या सेकंड राउंड में हो जाएगा।
ठीक है, और कुछ किसी से? हेलो, हाँ हाँ सर, मेरा सवाल ऐसा था, सर सपोज अगर मुझे आए 98.89% है और मेरा एक दोस्त है उसे आए 98.50% है, ओके हाँ, और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है VGTI, फिर SPIT, फिर विवेकानंद, और उसकी आती है पहली SPIT, फिर बाकी कॉलेज। तो सर अगर SPIT का मतलब क्लोजिंग होता है 98.50 पे और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस VGTI थी, फिर मुझे SPIT मिले, तो सर उस केस में फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ किसे मिलेगी SPIT में, उसे या मुझे? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझ में आया क्या प्रथम क्वेश्चन? नहीं, थोड़ा आवाज इसमें ब्रेक हो गया था तो बीच में। क्या बोल रहे हो, मतलब तुम्हारी परसेंटाइल कितनी है? ठीक है ठीक सर, मेरी परसेंटाइल 98.89, ओके 90, मतलब एक सिनेरियो समझ लो सर, मेरी परसेंटाइल 98.89। अच्छा हाँ, और मेरी दोस्त की है 98.50% है। अच्छा हाँ, और अगर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है VGTI, उसके बाद SPIT, और उसकी पहली प्रेफरेंस SPIT, उसने VGTI में अप्लाई नहीं किया है, तो अगर मेरा VGTI में नहीं हुआ और फिर SPIT का आता है, तो SPIT का अगर क्लोजिंग होती है, कट ऑफ आता है 98.40 का, तो फिर SPIT मिलेगी किसे? मुझे प्रायोरिटी मिलेगी या उसे मिलेगी? मिलेगी तुम्हें, सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। हाँ, सेकंड प्रेफरेंस आएगा ना, तो सेकंड में भी तुम्हारा 98.50 के अराउंड है, उसका कम है, उसमें भी फर्स्ट रखा है, फिर भी तुम्हें मिलेगी। ठीक, थैंक यू सो मच सर, मुझे 98.88% है। कॉलेज की लिस्ट मैं दे दूंगा, कॉलेज से रिलेटेड उसके लिए टेंशन मत लो, कॉलेज का रिव्यू ले लो, और फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज पूछना है, सीनियर्स हैं यहाँ पे, पता नहीं फिर आगे हो पाएगा कि नहीं मीटिंग, तो जो भी है पूछ लो, क्योंकि टाइम का इशू रहता है। जो भी कॉलेज के बारे में पूछना है, कट ऑफ क्या आएगा, परसेंटेज क्या आएगा, राहुल सर इज द बेस्ट मैन टू आंसर, वो आपको सबसे बेस्ट लिस्ट बना के देंगे। मैं भी आपके जैसा बहुत कंफ्यूज था, आप आग बंद करके उन पर विश्वास रख सकते हैं, वो जो लिस्ट बना के देंगे ना, वो उसी लिस्ट में आप कॉलेज डाल दो आग बंद करके, उसमें से आपको लगना ही लगना कॉलेज। ये छोटी से छोटी चीज़ों पे आप अभी ध्यान मत दो, आप वो क्वेश्चन पूछो जो आपको एकेडमिक्स में काम आएंगे, उसमें हम लोग आंसर करने में ज़्यादा सूटेबल है। ये जो छोटी चीज़ें होती है, परसेंटाइल आएगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें राहुल भाई इज़ बेस्ट मैन टू आंसर, वो आपको जो कॉलेज की लिस्ट बना के देंगे वो बेस्ट होगी, उनके गाइडेंस के अंदर जो भी लिस्ट आपको मिलेगी वहाँ पर आपका काम अच्छे से हो जाए। कुछ अलग क्वेश्चन हो गए तो पूछो, जिससे आपको एकेडमिक्स में फायदा होगा, तो हम लोग आंसर करेंगे। कॉलेज से रिलेटेड बाकी सब पूछ सकते हो। हेलो सर, हाँ मुझे ये पूछना था कि अगर कोई जॉब इंटरव्यू में जा रहा है और सिलेक्शन के टाइम सिलेक्ट हो रहा है, तो क्या उसके सर्टिफिकेट्स देखे जाते हैं क्या? उसमें ज्यादा प्रेफरेंस होता है कि जिसके पास ज्यादा सर्टिफिकेट्स हो? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं। हाँ राहुल, सर्टिफिकेट तो कोई भी सर्टिफिकेट तो भाई कोई भी अचीव कर सकता है, मेन पर मतलब मेन फोकस करो प्रोजेक्ट बनाने पे। तुमने 10 सर्टिफिकेट दिखाए, उसके बदले तुमने 2 प्रोजेक्ट दिखाए, तो तुम्हारा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये जितना प्रोजेक्ट बनाओगे उतना उतना सीखने को भी मिलेगा, और वो वही बेनिफिट ही करेगा, क्योंकि जो है रिक्रूटर खुद का प्रोजेक्ट होना चाहिए, उठाया हुआ नहीं, तुमने खुद से बनाया होना चाहिए, वो मैटर करता है। हाँ, एक ये प्रोजेक्ट्स पे भी बात करनी थी, ये प्रोजेक्ट का क्या सिनेरियो होता है, क्योंकि आपको अभी से 6 महीने बाद एक प्रोजेक्ट सबमिट करनी होती है पुणे यूनिवर्सिटी में, बहुत तगड़ी वाली प्रोजेक्ट सबमिट करनी होती है, तो जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं वो कैसे प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करें अभी से, क्योंकि मैं एक प्लान भी कर रहा हूँ, एक कंपनी के साथ टाई अप भी किया हुआ हूँ, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो सभी चीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, उनके CEO के साथ मीटिंग भी रखने वाले, तो एक बार प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरा अच्छे से गाइड कर दो कि कितना बेनिफिट होता है और वो कैसे स्टार्ट करें प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि 6 महीने बाद जब सबमिट करनी ही करनी है, सभी को करनी है पर्सनली। यस सर, बताओ राहुल। हाँ सर बताओ। सर देख, मेरा तो है ना, मैं भी ये सेकंड सेमेस्टर में भी प्रोजेक्ट था, तो उसमें भी बहुत बेनिफिट हुआ, फिर थर्ड सेमेस्टर में मिनी प्रोजेक्ट है, फिर फोर्थ सेमेस्टर में जो है मेजर प्रोजेक्ट है जो कंपनी में जाके करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने को तो देखिए सबसे पहले तो अपना फंडामेंटल्स जो है बेसिक वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और हम लोग में अभी क्या होने वाला है सर के 10-10 लोगों का ग्रुप बनाने वाले, और 10-10 लोगों को पर्टिकुलर टारगेट करने वाले, तुम्हारी स्किल क्या है, तुम किस फील्ड में अच्छे हो, तुमको किस में जाना चाहिए, तो मतलब एक अलग से मेंटरशिप मिलने वाली है, तो फिर उसमें हमको डिसाइड करेंगे कि भाई तुम कौन से फील्ड में जाओगे, कौन से करियर में जाओगे, मतलब वो पूरा एकदम अच्छे से गाइडेंस करने वाले हैं, तो उसी में ही वो प्रोजेक्ट का भी मतलब बताएंगे कि कैसे बनाना है, क्या करना है, इसलिए
जितना प्रोजेक्ट पे फोकस करोगे उतना तुम्हारा अच्छा होगा, प्रोजेक्ट से उतना सीखने को मिलेगा। हाँ, 10 सर्टिफिकेट = 1 प्रोजेक्ट है, समझ लो तुम इतना। हेलो सर। हाँ बोलो। मुझे पूछना है कि मतलब अभी हमारी एडमिशन को जून और जुलाई 2 months का टाइम है, तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है? अभी तो उसका शुरू में उसका आंसर मिला था ना, कहाँ थे आप, नहीं थे क्या? नहीं। ठीक है सर, मैं रिपीट कर देता हूँ उनके लिए। एक काम करो, सबसे पहले कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो। बेसिकली एमसीए में जब आप आते हो ना, तो आपको हर एक सेमेस्टर में एक अलग अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। पर मैं आपको क्या बोलूंगा, आपको जब भी इंटरव्यू क्रैक करना होता है तो आपकी एक लैंग्वेज पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं कि यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन। तुमको सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, पर एक चीज़ में तुम्हारी मास्टरी होनी चाहिए। तो जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में जावा था, तो मैंने अपना पूरा कमांड जावा पे रखा था। मतलब मैंने बैकएंड में जावा सीखी, एक फ्रंट एंड वाली टेक्नोलॉजी को सीख लो और उसी को लेकर प्रोजेक्ट बनाते जाओ। और डीएसए भी अगर मैं अभी जावा बैकएंड में सीख रहा हूँ, तो मैं डीएसए भी जावा में कर रहा हूँ, तो एक ही टेक्नोलॉजी को इतना मास्टर कर लो कि क्योंकि जब इंटरव्यू में तुम जाती हो और ओपनिंग आती है, तो तुम उसी टेक्नोलॉजी में अगर तुमने अच्छे से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तुमने उसमें डीएसए प्रैक्टिस किया हुआ है, तो तुम आंसर अच्छे से कर सकते हो। तुम्हारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट भी अगर तुमने उसी में प्रैक्टिस किया, तो तुम अच्छे से आंसर कर पाओ। तो एक लैंग्वेज पकड़ो, उसको मास्टर करो, बाकी सब लैंग्वेज की भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखो। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर एक लैंग्वेज तुमने पकड़ ली है, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, बाकी को तुम खाली पासिंग के लिए देख सकते हो। क्या? हेलो। हाँ बोलो जी। सर मुझे पूछना था कि अच्छे से अगर इंटर्नशिप लगने के लिए अगर हम लोग देखेंगे अपॉर्चुनिटी, तो उसके लिए किस चीजों पे कमांड करना होगा? प्रिपरेशन ऑफ योर इंटरव्यू स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन यू एंटर द कॉलेज। वो 10 दिन में होने वाली चीज नहीं है। पहले दिन से अगर अच्छे से काम कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो इंटर्नशिप के दिन इतना टेंशन नहीं आएगी। पहले दिन से अच्छे से पढ़ाई करो, कोर कॉन्सेप्ट को अच्छे रखो, क्योंकि इंटर्नशिप में तुमको कोई एडवांस कॉन्सेप्ट में नहीं जाता है। तुम्हारा फंडामेंटल चेक किया जाता है, तुम्हारा बेस चेक किया जाता है। अगर बेस ही कमजोर है, तो फिर वो आगे तुमको क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। सर डीएसए के किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं? डीएसए के जहाँ तक मैंने अपने सीनियर से जाना है, और जो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पर मेरे को मेरे मेंटर्स ने बताया, वो भी बेसिक लेवल के होते हैं। पर वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देंगे, कैसे नहीं देंगे कि एक स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर दो। वो एक सिनेरियो देंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और उसको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मैं यूज़ करूँगा। अभी अगर कोई क्वेश्चन आया तो स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या यूज़ करूँ, रिकर्शन के साथ करूँ, इटरेटिव अप्रोच रखूँ, अरे यूज़ करूँ, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँ। तो फिर उसमें आपको वो सिनेरियो को भाग कर क्या यूज़ करना है वो समझ में आना चाहिए, और उसके ऊपर फर्दर वो एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं इंटरव्यू में, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर इंटरव्यू वो डायरेक्शन में जाता है। सर अगर कोड फोर्सेस पे प्यूपल है तो हेल्प करेगा क्या इंटरव्यू में? मोस्टली जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता है। बेसिक्स है वो, बेसिक्स से स्टार्ट करो, फिर एडवांस में जाओ। हाँ, अभी अगर लीड कोड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, कोड शेफ पे कर रहे हो, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले इजी वाले करो, कोई जरूरत नहीं है हार्ड जाने की। मैं तो कहता हूँ कि मीडियम भी, इस जो अभी आपका लेवल है, आप मीडियम क्वेश्चंस पे भी मत जाओ, इजी क्वेश्चंस को पहले करना ट्राई करो, उसको समझो, करने के बाद उसका कोई ऑप्टिमाइज वे है कि नहीं उसके ऊपर ध्यान दो। तो फिर क्या होता है कि जैसे आपका इंट्यूशन बिल्ड हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर आपको आने ईजी हो जाते हैं, और कोई इंटरव्यू में आपको इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, इजी से चालू करेंगे आपके बेसिकली वो कॉन्सेप्ट को, फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। और सर लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं।